कैन बिलीव इट, अभी तक वो चश्मिश हमारे हर प्लान से बचती आ रही और आज अभी ने खुद हाउ कुड अभी स्टैंड फॉर द चश्मिश एंड हर फैमिली, जिन लोगों पे वो सबसे ज्यादा गुस्सा था आज उन्हीं लोगों की हेल्प की उसने, और हेल्प भी ऐसी कि उनके लिए वो खुद जेल चला गया। आई थॉट कि वो वहां खुद तमाशा देखने गया, पर उसने तो खुद अपना तमाशा बना लिया। हाउ कुड ही डू दैट? और तुम भी बहुत श्योर थी ना कि अभी उनकी कभी हेल्प नहीं करेगा, पर फिर भी अभी ने उनकी हेल्प की। पता नहीं क्या मजबूरी थी उसकी, यहाँ ना दादी थी ना दादी की कजन, कोई नहीं था जो उसे ये स्टेप लेने पे मजबूर करता, फिर भी अभी ने ऐसा किया। इतना अच्छा मौका था कि उस बहन जी के फैमिली के सारे लोग एक झटके में, पर अभी ने उनको बचा लिया। अलिया, तुम गलत रास्ते जा रही हो। अलिया, वो अभी को वहां लेकर गए। आई नो ये गलत रास्ता है, लेकिन अगर भाई गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो हम भी गलत रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। तन मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे और अभी के रिश्ते पर शक किया। उस दिन जो कुछ भी तुझे कहा ना, वो उस कॉर्पोरेटर को सुनाने के लिए ना, ताकि उस कॉर्पोरेटर को लगे कि वो उसकी तरफ है। तुम्हारा ही प्लान था ना कि वो जाकर स्टे ऑर्डर लेकर आएगा, तब तक तू मुझे कुछ नहीं बताएगी, और मैं फिर भी तुझसे पूछती रही। पीजी बिल्कुल ठीक कहती, मुझे वैसे टेंशन लेने की बीमारी थी, अब शक करने की बीमारी भी होगी। इतना अच्छा लड़का, वो कितना प्यार करता है तुझसे, तेरे परिवार के लिए वो कॉर्पोरेटर से भी लड़ गया, और मैं फिर भी शक करती रही। मैंने सोच लिया है, आगे से ना मैं कभी भी तेरे और उसके रिश्ते पर शक नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे प्रज्ञा, हाँ अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। लेकिन अब हमें जीजू के बारे में सोचना चाहिए, जिन्हें पुलिस पकड़ कर लेकर गई। I'm sure, उस कॉर्पोरेटर का ही प्लान होगा, कॉल उसके हाथ में नहीं आया इसलिए उसने जानबूझ के जीजू को उकसाया ताकि पुलिस उन्हें लेकर जा सके। हमें कुछ करना होगा माँ। फिर तो पुलिस लॉकअप में अभी को मारेगी, और पता है पुलिस वालों की मार तो बहुत बुरी होती है। अब जमानत वमानत तो सुबह ही होंगी, पर रात भर पता नहीं पुलिस अभी के साथ क्या क्या करेगी। क्या कर सकते हैं माँ? आप लोग रुकिए, मैं इनके पास जाती हूँ। अलिया लिसन टू मी, अलिया इज योर ब्रदर, यू कांट बी। मुझे कुछ नहीं सुना है। अलिया मेरी बात सुन, इस वक्त हमें यहाँ नहीं पुलिस स्टेशन में होना चाहिए, उसे छुड़वाना चाहिए। नहीं तनु, मैं सब कुछ नहीं करने वाले। भाई ने गलती की है, इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। He should realize that he has done a blunder this time. मैं उनकी कोई हेल्प नहीं करने वाली। Are you mad? तुम्हें पता नहीं तुम क्या कह रही हो? अलिया इस वक्त वो जेल में, अगर हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो वो पूरी रात जेल में रहेगा, मैं भी उससे भी ज्यादा। How can we let that happen? Yeah, we have to. बहुत जरूरी है इस वक्त भाई अपनी गलती को समझे। अगर भाई को नहीं समझ में आएगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है, भाई और हमारे रास्ते अलग। And I'm very clear about that. जैसे तुमने अपने कॉन्टैक्ट से इस हॉल को तोड़ने के लिए ऑर्डर्स लाए, वैसे ही मैंने अपनी पॉपुलैरिटी से इस हॉल के ऊपर स्टे ऑर्डर लाया। तूने चश्मिश से सच में शादी की है या पैसे देके बस टाइम पास किया है? चुप, एकदम चुप। मैं तेनु समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनु समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने। तुम लोगों को पता है कि अंदर जो है वो मेरी कौन है? वो मेरी
माँ जैसी है। इतना अच्छा लड़का, तुझसे कितना प्यार करते, तेरे परिवार के लिए वो कॉर्पोरेटर से भी लड़ गया और मैं फिर भी शक करती हूँ। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया। ये मेरी बीवी है, अगर इस पर नजर डालने की कोशिश भी करना तो जान से मार दूंगा। मेरे डॉक्टर अभी है पर यहाँ तू डॉक्टर अभी है। तो मैंने कब कहा नंदू हलवाई है, जानता हूँ बहुत बड़े स्टार हैं, रॉक स्टार, लोगों के यहाँ जाके बड़े बड़े शोज करते हैं, एक शो हमारे लिए कर लेंगे बहुत बड़ी बात है। चलिए सर हवालात की हवा खाइए फिर आपका शो शुरू करते हैं। चल लेके जा सर। कहाँ? घर लेके जा, आपने लेके जाएगा लॉकअप में लेके जा। और कहाँ? और सुन इज्जत से लेके जाना, बड़े साहब है ना, लॉकअप में रहने की आदत नहीं होगी, जेल का एक कोना देके बिठा देना, ठंडा वंडा पूछ लेना साहब को, दिमाग बहुत गर्म है। रे यादव, अरे बाबा जरा हमें भी तो मिलने दे हमारे नए मेहमान से। क्यों रे, बहुत अच्छा लग रहा होगा ना तुझे। अरे रे मैं तो भूल ही गया, तुझे कैसे अच्छा लगेगा, ये शो तो मैंने ऑर्गेनाइज किया है ना, और यहां वही होगा जो मैं कहूंगा। तुझको बोला था मैंने, मुझसे पंगा बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। बहुत फास्ट हो तुम, इतनी जल्दी नहा धोकर भी आ गए, खाना वाना खाया फिर मार से ही पेट भर गया। सुन कॉर्पोरेटर, जो शेर होता है ना, जब वो पिंजरे में होता है तो चूहा भी उसके पूंछ के साथ खेलता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तब ऐसा ही नक्शा बनाता है। ये तो अपने लिए अच्छा कर रहा है कि तूने मुझे अंदर डलवा दिया, लेकिन तूने उन लोगों के बारे में जो बोला ना, वो तेरी सबसे बड़ी गलती थी। एए! गलती तो तूने की है मुझसे पंगा लेकर। ए यादव, ये प्यार भी बड़ी अजीब चीज है ना रे, इंसान को समझता ही नहीं है क्या गलत है क्या सही है। क्यों रे, लगता है तुझे तेरी बीवी से वो सच्चा वाला प्यार हो गया, इसलिए तुझे समझ नहीं आ रहा तू क्या कर रहा था। मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है पूरा क्या है? तुम सिर्फ मुझे बता नहीं रही हो। भाई पूरक ने मुझे थप्पड़ मारा है, भाई हम आपकी बहन को थप्पड़ मारा है और वो भी उस बुलबुल के सामने। मेरा मेरी बीवी के साथ जैसा रिश्ता है ना, वो तुझे बताना जरूरी नहीं। जो आदमी औरतों की इज्जत नहीं करता ना, वो उस रिश्ते को क्या समझेगा। तेरी गंदी सोच और गंदी नीयत ये बता रही है कि तेरे लाइफ में तो कोई औरत ही नहीं है जिसके साथ तेरा कोई भी रिश्ता हो। वाह 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 वाह, क्या क्या बोलता है ना तू। हाँ तेरे को पता है तू बहुत गलत लाइन में आ गया है, तुझे सिंगर नहीं पॉलिटिशियन होना चाहिए। क्या डायलॉग मारता है ना यादव, लेकिन तू अब अपनी फिक्र कर मेरी नहीं, क्योंकि तू जानता नहीं मैं जो तेरा हाल करने वाला हूं ना, तू सोच भी नहीं सकता।
एक सी ऑर्डर लेके आया था ना तू? अब एक सी ऑर्डर मैं लेकर आऊंगा तुझे लंबा अंतर करने के लिए, और जब तू बाहर आएगा ना तो तेरे ये बाल सफेद हो चुके होंगे। और मैं लेने आऊंगा तुझे मेरी नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन जो करना है, वो बिल्डिंग जो मैं उस कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल की जमीन पर बनाने वाला हूं। यहां तुझे पुलिस तोड़ेगी, वहां मैं वो हॉल तोड़ूंगा। ए यादव, इसको इतना मारना कि इसको इसकी बीवी से प्यार करने की कीमत समझ में आए। लेकिन सुन, इसका चेहरा खराब मत करना रे, रॉकस्टार है अपना। हाँ, चेहरा खराब हो गया तो दुनिया के सामने नजरे कैसे मिलाएगा? करेक्ट। अरे जैकेट भिजवा देता हूँ। सर, आपका जैकेट। थैंक यू। काफी टाइम बाद किसी रियल लोकेशन पर आने का मौका मिला है। पल दो पल मेरी कहानी। मिस्टर डॉन, ये क्या सुर पकड़ रहे हो आप? देखो ये सुर पकड़ो। मैं पल दो पल का शायर। अरे एक तू अपन का सुर सिखाएगा? नहीं सर, मैं तो आपके साथ ड्यूएट कर रहा था। इस जेल में कोई नया पलटू आया ना क्या रे? चुप, तेरे तो मुंह भी थोपड़ा निकल। Why so angry? अरे मुन्ना, ये तो स्टार लग रहा है। करेक्ट। रोक सर, रोक सर। अरे रोक स्टार, अरे वही स्टार ना जिसके शो के टिकट आप लोग ब्लैक करते थे। अरे भाई जरूर चेक तो करो कि असली है कि नकली है। बराबर बोला। एक मिनट, असली है, एकदम असली है वो। एकदम असली है। अपुन अपुन पक्का है। ये दब तो उन्हें अपुन का फल्टू लगा भाई। अच्छा, आपका भाई नहीं है ना? अरे क्या, अरे आप तो अपुन का माई बाबा था। अब शर्मिंदा कर भाई शर्मा। आपके शो की टिकट बेच बेच अपन बहुत माल छापेला। एक ऑटोग्राफ मिलेगा भाई, लेकिन अपुन वाला भी इसी में लेना भाई। मिस्टर हवलदार, क्या आपके पास एक पेन होगा? वो क्या है ना, मेरे फैंस लोगों को मेरा ऑटोग्राफ चाहिए, इफ यू डोंट माइंड। अरे मिस्टर खड़ूस, ये घर पर नहीं जाना होता है क्या? वैसे थैंक यू मिस्टर खड़ूस, मैं बोर ना हो इसलिए तुम लोगों ने मेरे साथ मेरे फैंस लोगों को भी रखा है। थैंक यू। आओ। सही कहा तूने, तेरी बोरियत के साथ साथ तेरे दर्द का इलाज भी हो गया। और सुन, मैं तुझे थोड़ी देर में ना रिमांड रूम में लेके जाऊंगा। क्यों? आज तुझे बताऊंगा कि एक पुलिस इंस्पेक्टर पे हाथ उठाने का अंजाम क्या होता। कदम। जी सर। तू डंडे लेके आ। और सुन, रिमांड रूम की सफाई भी करवा देना, खून के पुराने दाग धब्बे होंगे, इसे अच्छा नहीं लगेगा। बड़ा आदमी है ना, रॉक स्टार। पॉइंट। ये डंडा चलेगा? चलेगा? किसे मारेगा इसको? ये औरतों का डंडा है। ये मर्द है मर्द, इसके लिए कुछ जाड़ा मोटा डंडा लेके आ, जिससे इसकी हड्डियां टूटे। डंडा नहीं, समझे? ए इंस्पेक्टर, एक मिनट। मेरे फेस पे मत मारना। रिक्वेस्ट है सर।
है ना, अगर मेरे फेस पे कुछ हो गया तो मैं अपने फैंस लोगों को क्या मैं दिखाऊंगा। रुको रुको, तुम अंदर नहीं जा सकती। मुझे मेरे हस्बैंड से मिलना है। रात को अलाउ नहीं है, सुबह आना। ऐसे कैसे अलाउड नहीं, आप आधी रात को किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और उसका कोई फैमिली मेंबर उसे मिल भी नहीं सकता। मुझे अपने हस्बैंड से इसी वक्त मिलना है। बोला ना, परमिशन नहीं है, सुबह आना। ऐसे कैसे, सुनिए आप तो एक औरत है, आप मेरी प्रॉब्लम समझ सकती है। मेरे हस्बैंड अंदर, मुझे उनसे मिलना है, प्लीज प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। जाए ना, उसकी बीवी है, मिल के आ जाएगी। जाए दे, जाने दे, जाइए आप। ए यादव, छोड़ना नहीं उसको, ऐसा केस बनाओ कि जिंदगी भर सड़ता रहे जेल के अंदर। उसने मुझे सबके सामने इतना कुत्तों जैसे मारा है ना, थर्ड डिग्री। तो उसको इतना मारो कि मेरा नाम सुनते ही कांप उठे। खुद को बहुत बड़ा रॉकस्टार समझता है ना वो। उसको अपने जूते नहीं चटवाए ना तो मेरा नाम भी नील ठाकुर नहीं। उसने अपनी घटिया जैसी बीवी के लिए मेरी बेइज्जती की। छोड़ना मत उसको यादव, छोड़ना मत। हम इन चीजों में एक्सपर्ट होते हैं सर, पुलिस की मार से बड़ बड़ की अकल ठिकाने आ जाती। आप इत्मीनान से घर जाइए, बेफिक्र रहिए। ये तो इन्हें मारने की बात कर रहे हैं, सब मेरी वजह से हो रहा है, तो क्या करूं? इत्मीनान रखिए। आप गलत कर रहे हैं, आप मेरे पति पर हाथ नहीं उठा सकते। वो कोई क्रिमिनल नहीं है कि आप उनपे थर्ड डिग्री इस्तेमाल करेंगे। वाह, कमाल है मैम साहब। पति पुलिस पे हाथ उठाकर कानून को हाथ में लेता है और पत्नी उसी पुलिस को कानून सिखाती है। सिखा नहीं रही, याद दिला रही। आप थर्ड डिग्री तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको किसी से कोई इन्फॉर्मेशन निकलवानी हो। बिना FIR के तो आप किसी को कस्टडी में भी नहीं रख सकते। पुलिस क्या कर सकती है क्या नहीं मैम साहब, इसका अंदाजा आपको नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ इसका अंदाजा आपको नहीं। आप होंगे पुलिस इंस्पेक्टर, लेकिन मेरे हस्बैंड एक सेलिब्रिटी। आपके पास अपनी पावर होगी, लेकिन मेरे हस्बैंड के पास लाखों फैंस की, मीडिया की पावर है। इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, अगर आपने मेरे पति को हाथ भी लगाया ना, तो मैं लाखों फैंस को इसी पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा करूंगी, सारे चैनल से सारे रिपोर्टर्स को बुलवाऊंगी और चीख चीख कर कहूंगी कि आपने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है और एक इनोसेंट आदमी को टॉर्चर किया है। फिर मैं देखती हूँ कि आप उन मीडिया वालों को क्या जवाब देते हैं, और अगर बात मीडिया तक पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है आपके सीनियर्स तक भी पहुंचेगी। फिर मैं देखती हूँ आप उनको क्या जवाब देते हैं। क्या हुआ, अब किस सोच में पड़ गए? जाइए, उठाइए हाथ मेरे पति पर। ए, कौन है बाहर? अंदर आओ, इसे लेके जाओ यहाँ से। इसको अंदर किसने आने दिया? लेके जाओ उसके यहाँ से। मैं जा रही हूँ, लेकिन जो कहा है वो याद रखना। तुझे देखने के लिए आप उन लोगों ने पुलिस को बहुत डंडे खाए हैं। अब आज देखे ना, पुलिस ने आपको खुद भेज दिया इस जेल में हमसे मिलाने के वास्ते। अरे पलटू, अरे उठना, भाई के साथ एक फोटो लेना। चलू सर, चलू सर। भाई कैमरा, अरे निकाल ना। बिना कैमरे की फोटो कैसे खींचे? आज अपन आपसे मिले, पता नहीं लाइफ में मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम्हारे साथ एक पोज खिंचवा के दिल को तसल्ली देने का। क्या भाई? देख भाई, कैमरा भले ही नकली है पर अपन दिल असली है भाई, बोले तो एकदम भाई वाला दिल भाई। यार तुम लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, तुम लोग ने एकदम बिंदास है, एकदम माइंड ब्लोइंग है तुम लोग। मेरे फैंस ने एकदम ऐसे ही होना चाहिए, बिंदास मेरी तरह। मैं तुम लोगों को एक ऑफर देता हूँ, जब तुम लोग ऐसे बाहर निकलोगे ना तो मुझसे मिलने आने, ऑर्डर याद दूंगा, आप उन साथ में खाना भी। अरे खाना भी खाएगा भाई, आप इतने बड़े रॉकस्टार हो, एक गाना भी हो जाए। बिना म्यूजिक के गाना कैसे होगा? अल्लाह भाई,
अपन भाई के रहते हो म्यूजिक की बात करता है। आ पलटू चल रे भाई, का ना चल चल ला दे भाई भाई अपन का रे भाई। ए तेरे डंडिया ले चला ए और मैं